परिवार में अमिताभ बच्चन और देखा जाए तो उनकी जिंदगी के अलग अलग किस्से कई बार सामने आए हैं। चलिए हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का पटौदी परिवार की पूर्व बहू सैफ अली खान पटौदी की अगर बात की जाए तो कितना ज़्यादा रिश्ता गहरा है सैफ की पहली पत्नी के साथ अमिताभ बच्चन का। अमिताभ और आपने देखा होगा कि अमृता सिंह, ये दोनों ही सालों से एक दूसरे के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। जिस अमृता सिंह की एक झलक के दीवाने हो गए थे अमिताभ बच्चन, जिस अमृता सिंह के पीछे दीवानों की तरह घूमा करते थे वो अमिताभ बच्चन जो हैं, वाकई में अमृता सिंह के साथ खूब ज़्यादा काम करना हमेशा पसंद करते रहे हैं। इसलिए 2 साल पहले भी अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल अमृता सिंह को मिला। तलाक को हो गया है 16 साल सैफ और अमृता के। इन तलाक के बाद अमृता ने कभी भी खर्चों के लिए सैफ पर डिपेंडेंस नहीं दिखाई। उन्होंने खर्च के लिए टीवी से लेकर बॉलीवुड में काम किया, लेकिन जिस बॉलीवुड करियर पर संन्यास लेकर पटौदी परिवार की बहू बनी थी, 9 साल छोटे सैफ संग शादी कर अमृता, उस शादी के टूटने के बाद अमृता ने 80 के दशक की टॉप हीरोइन वाले खिताब को जीतने के बावजूद अपनी करियर पर के पिक पर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और इसके बाद उनकी जिंदगी काफी बदली। खैर, अपनी करियर के दौरान अमिताभ बच्चन जैसे अच्छे दोस्त को अपनी जिंदगी में लाया अमिताभ बच्चन की एक्ट्रेस बनकर अमृता सिंह ने उनकी कई बार पत्नी का रोल प्ले किया है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बदला में उनकी पत्नी का रोल कर चुकी अमृता सिंह ने साल 1985 में रिलीज होने वाली फिल्म मर्द में भी अमिताभ की पत्नी का रोल प्ले किया था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह की और भी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने साथ काम किया था। आपको याद हो ना हो तो आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह की कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे। भले ये बात ये सभी बता ना सके हो कभी, लेकिन अगर बात की जाए तो मर्द फिल्म में इन दोनों की जोड़ी खूब जनी थी। इसके अलावा इन्होंने जादूगर फिल्म में भी किया था काम साथ और अमृता सिंह ने 2 बार तो अच्छी पत्नी का रोल प्ले किया था अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में। और ये सब जानते हैं कि इस जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था क्योंकि अमिताभ और अमृता सिंह के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी थी। आज नहीं बल्कि सालों से ही इनकी अच्छी बॉन्डिंग रही है। जया बच्चन के साथ भी अमृता सिंह का काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। अब फिल्मों की बात हो रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह ने अकेला से लेकर जादूगर, साधु संत और क्रुद्ध से लेकर तूफान, बंटवारा, इन सभी फिल्मों में काम किया। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ मर्द और बदला फिल्म, जादूगर फिल्म में ख़ास तौर पर अमृता सिंह को पसंद किया गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।